हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द 1% सॉल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ के बारे में, जिसे टॉम कॉलन ने लिखा है। इस बुक में ऑथर हमें हमारे बिजनेस और जिंदगी में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। 1% सॉल्यूशन बुक हमको दिखाती है कि कैसे अपने अगले 30 दिनों को मजबूत बनाना है और फिर हमेशा के लिए ऊंचे लेवल पर जाते रहना है, क्योंकि ये बुक किसी की राय पर बेस्ड नहीं है, बल्कि असली जिंदगी के एग्जाम्पल के साथ सॉलिड रिसर्च पर बेस्ड है। ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल और प्रोफेशनल दोनों तरह से सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो इस पावरफुल बुक में बताए गए फॉर्मूलाज आपकी मदद कर सकते हैं। ये बुक 16 दिसंबर 2010 को पब्लिश हुई थी और इस बुक ने कई लोगों को उनकी जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की है। ये एक ऐसी बुक है जिसके फॉर्मूला को अपनाकर आपको तुरंत ही फर्क नजर आने लगेगा। 30 दिनों तक बुक में बताए गए तरीकों को दोहराएं और उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लें, फिर आप खुद में बदलाव महसूस कर पाएंगे। बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 7 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये बदलाव का समय है। ऑथर इस बुक की शुरुआत केन के घर से करते हैं। केन इस बुक का एक मेन हिस्सा है। ऑथर बताते हैं कि शाम को केन ने अपना कंप्यूटर बंद किया और आराम से कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि वो उनके लिए एक और शानदार दिन था जिसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया था। केन की नजरें उस अवार्ड की ओर गई जिसे उन्होंने कुछ टाइम पहले ही फ्रेम करवाकर दीवार पर बाकी अवार्ड्स के साथ टांगा था। उन्होंने याद किया कि हर अवार्ड मिलते टाइम उन्हें कितना अच्छा लग रहा था और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन और रिस्पेक्ट भी। फिर उन्होंने अपने डेस्क पर अपने परिवार का फोटो देखा। केन की मैरिड लाइफ एक बेहतरीन महिला के साथ बहुत अच्छी थी। वो एक दूसरे से प्यार करते थे और एक साथ मिलकर बहुत मजे करते थे, और जब जिंदगी में मुश्किलें आती थी तो वो एक दूसरे को सहारा देते थे। जहां तक उनके बेटे और बेटी की बात है, उन पर केन को सबसे ज्यादा प्राउड था और उनके आसपास रहने से हमेशा उन्हें खुशी मिलती थी। वो 100% ईमानदारी से कह सकते थे कि वो एक खुश इंसान है, क्योंकि वो दुनिया की ऊंचाई को हासिल कर चुके थे। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में थे। पुराने दिनों की याद आते ही उनके चेहरे से मुस्कान खत्म हो गई। वो और उनकी वाइफ ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते थे, एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते थे। बच्चे भी बदतमीज होते जा रहे थे और केन के खिलाफ हो रहे थे। स्कूल में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अपनी जॉब से केन बहुत नाखुश थे। उन्हें अपनी जॉब खतरे में नजर आती थी और हर दिन कम से कम 2 कलीग से उनका झगड़ा हो जाता था। उन्हें इस बात का जरा भी पता नहीं था कि वो इस बुरे हाल में कैसे पहुंचे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं थे। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे, जैसा कि हमारे साथ भी होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसे सिचुएशन में आखिर कैसे पहुंचे। केन ने सोचा कि क्या जिंदगी का यही मतलब है, क्या जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी ज्यादा हासिल करने, ज्यादा पॉसिबल बनने की उम्मीद बाकी थी, जो हम सभी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद देती है। एक दिन केन अपने बेटे जैक के फुटबॉल मैच को देखने गए। जैक की टीम उस टीम के खिलाफ खेल रही थी जिसने उन्हें पिछले साल हराया था। केन ने नोटिस किया कि उनके बेटे की टीम ने बॉल पर अच्छी पकड़ बनाई हुई थी और पिछले साल के कंपैरिजन में वो अच्छा खेल रहे थे। उनकी टीम के कोच जिम भी पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ अलग दिख रहे थे। मैदान में खेलते लड़कों की तरह ही वो भी ज्यादा इंस्पायर्ड और कॉन्सेंट्रेटेड नजर आ रहे थे। उनके हाव भाव में एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था जो पहले नहीं दिखता था। जबकि जैक के टीम में वही पुराने लड़के थे और कोच भी वही थे, और दूसरी टीम में भी वही पुराने लड़के थे और उनके कोच भी अब भी वही थे। जब जैक की टीम जीत गई, तब केन उनकी टीम के कोच जिम को बधाई देने गए, और बातों ही बातों में केन ने जिम से पूछ लिया कि आपकी टीम के जीतने की मिस्ट्री क्या है, आपकी टीम पहले से बेहतर कैसे हो गई और आप भी कुछ बदले बदले लग रहे हैं। जिम ने कहा, मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, बहुत अच्छी या बहुत खराब नहीं, बस ठीक ठाक। लेकिन मुझे पता था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। 2002 के विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर की रिले रेस चल रही थी। इसमें कनाडा ने 5:51 में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अमेरिका 7:30 के साथ फोर्थ आया, जिसमें लगभग 2.9% का फर्क था। लेकिन क्या आप जानते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आने वाली सभी टीमें रेस में किसी न किसी पॉइंट पर गिरी थी। गिरने के बावजूद गोल्ड मेडल और कोई मेडल नहीं पाने के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2.9% था। कई बार तो डिफरेंस 1% से भी कम होता है। इससे मेरा ये मतलब है कि जब आप एवरेज निकलते हैं तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच सिर्फ 1% का फर्क होता है। मैं जानता था कि मैं चाहे जो कर लूं, हमारी टीम बाकी टीमों के कंपैरिजन में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती। लेकिन हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। हम में से हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है, केन ने कहा। तो आप कह रहे हैं कि ये किसी भी करियर के लिए सच है, रिटेल, आईटी, फाइनेंस, सेलिंग के लिए भी। जिम ने कहा, ये आपकी जिंदगी के हर उस पहलू के लिए भी है जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि पारिवारिक जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है।
जिम ने उन लोगों के साथ मिलकर महसूस किया था जिन्होंने काफी बड़ी मुश्किलों को भी बेहतर बनाया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो आपको एक्सीलेंस हासिल करने के रहस्य को अपनाना होगा। ये आसान नहीं होगा। आपको अपनी कुछ पुरानी हैबिट छोड़नी होगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने और दूसरों के बारे में अपने कुछ भरोसे छोड़ने होंगे। इसके आखिर में आप थ्रिल और अवेलेबिलिटी को आराम से हासिल कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में चुनौतियां आएंगी। बस आपको बिना डरे उनका सामना करना है और आगे बढ़ते रहना है। मोटिवेशन को बढ़ाने वाला उल्टा तरीका। आपके मोटिवेशन को बढ़ावा देने का एक उल्टा तरीका होता है। जितना ज्यादा आप किसी काम को करते हैं उतना ही ज्यादा आप अपने आप को उन चीजों को करने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे आप और चीजें करते रहते हैं और आप और भी ज्यादा इंस्पायर्ड होते जाते हैं। ये एक सेल्फ फीडिंग साइकिल है। कुछ ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिम ने केन के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए कहा था जो हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है। मोटिवेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका काम को बढ़ाना है। आप किसी काम को जितना ज्यादा करेंगे उसे करने के लिए आप उतनी ही ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। शुरू करने का बेस्ट तरीका काम करना है, भले ही ये कोई छोटा ही काम क्यों ना हो। आपके गोल क्लियर होने चाहिए। आपको ऐसा काम चुनना चाहिए जो आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद करे और फिर आपको उस काम में जीनियस बन जाना चाहिए। जिम ने केन को एक ग्रुप के बारे में बताया था जो लोगों की उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मदद करता था। जिम ने केन को एक बिजनेस कार्ड दिया जिससे वो बेहतर तरीकों को लिख सकता था और जिम ने उन्हें 3 हफ्तों बाद मिलने को कहा। केन जिम से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो बेहतर बनने के प्रोसेस को जल्दी शुरू करना चाहते थे। प्रोसेस शुरू होते ही जिम ने उन्हें इन 3 रूल्स को मानने के लिए कहा, जिसके लिए केन तैयार हो गए। पहला रूल, आप जो कर रहे हैं वो अपनी वाइफ के सिवा किसी को नहीं बता सकते। केन के लिए मुश्किल था पर वो मान गए। दूसरा रूल, आप इसे तभी शुरू कर सकते हैं जब आप इसे पूरा करने का वादा करते हैं। शुरू में केन सोच में पड़ गए पर उन्होंने ये रूल भी मान लिया। तीसरा रूल ये था कि 180 दिनों के अंदर केन को उसी तरह किसी इंसान की मदद करनी होगी जिस तरह उसकी की गई थी और उसने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए हाँ कर दिया। फिर जिम ने केन को ग्रुप के सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्लोस का नंबर दे दिया। उसके बाद केन ने कार्लोस से फोन पे बात की और उन्होंने गोल्ड फील्ड पर मिलने का फैसला किया, जिसके बीच कार्लोस की नजर केन की नोटबुक पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने केन से कहा, ये अच्छा है कि आप नोट्स रखते हैं, तो इसमें क्या लिखा है? तो केन ने बताया, आप हर समय जीत नहीं सकते लेकिन आप बेहतर बनने के लिए काम कर सकते हैं। हमारी जीत और हार के बीच सिर्फ 1% का फर्क होता है। हर कोई बेहतर नहीं होता लेकिन हम सैकड़ों में से 1% बेहतर बन सकते हैं। उसके बाद कार्लोस ने मुस्कुराकर केन से कहा, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा है। और कार्लोस ने केन को इस थ्योरी के बारे में समझाया कि जितना ज्यादा आप किसी काम को करते हैं उतना ही ज्यादा आप अपने आप को उन चीजों को करने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे आप और चीजें करते रहते हैं और आप और भी ज्यादा इंस्पायर्ड होते जाते हैं। तो केन ने इस बात को समझा और वो अगले स्टेप के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब बहुत ही साफ है कि आप किसी काम को जितना ज्यादा करते हैं आप उसे करने में उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। हमें भी इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए जो हमारे लिए भी उतनी ही फायदेमंद है। आप हर रोज 1% बेटर बनकर कहां तक पहुंच सकते हैं, इसको समझने के लिए आप एटॉमिक हैबिट की बुक समरी को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। आप भी कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरी को भी सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पर्सनल सक्सेस के लिए फिजिक्स, खुद को ज्यादा पावरफुल कैसे बनाएं। केन ने जिम की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया और अब वो जिम के साथ के एक और मेंबर से कुछ दिनों बाद मिलने जा रहे थे जिनका नाम पेट था और वो एक टीचर थी और वो हर तरह के अवार्ड जीत चुकी थी। पेट ने पहले केन के नोट्स देखे। वो देखना चाहती थी कि केन ने अब तक क्या सीखा है। पेट ने केन के नोट्स को अच्छी तरह से देखा और उनमें कुछ और लाइन जोड़ने के लिए कहा। मोटिवेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काम में बदलाव करें। आप कोई भी काम जितना ज्यादा करेंगे उसे करने के लिए आप उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड होते रहेंगे। शुरू करने का बेस्ट तरीका काम करना है, भले ही वो छोटा काम हो। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपको एक काम चुनना चाहिए जो आपको आपके गोल को हासिल करने में मदद करता है और फिर आपको उसमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। कुछ देर बात करने के बाद केन अब ठीक हो रहे थे। पेट एक फिजिक्स प्रोफेसर थी इसलिए उन्होंने केन को अपने तरीके से समझाया। पेट ने सबसे पहले केन को न्यूटन का पहला लॉ समझाया कि कोई भी चीज स्पीड में तब रहती है जब आप उसे चलाते रहते हैं, वरना वो उसी तरह अपनी स्पीड में नहीं रहेगी। इसी तरह अगर हम अपने काम को स्पीड से ले जाएं तो वो लगातार चलता रहेगा, अगर हम रुक गए तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी शुरुआत छोटे से करें और जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस काम से आपने अपनी शुरुआत की थी उसका मनचाहा रिजल्ट आपको मिल रहा है। 20/80 लॉ के सक्सेस के लिए हमेशा 20% काम जरूरी होता है।
सिर्फ 20% काम पर ध्यान दें जो आपके लिए सबसे जरूरी है और बाकी 80% काम हमें कहीं नहीं ले जाता। इसलिए ये काम या तो किसी और को करने दें या छोड़ दें। पैट ने अपने फिजिक्स के एक्सपीरियंस से केन को इन बातों पर ध्यान देने के लिए कहा और बताया कि ऐसा करने से आपको टाइम मिलेगा और आप उसे काम को बखूबी कर पाएंगे जो आपकी सक्सेस के लिए ज्यादा इम्प्रेसिव और बहुत जरूरी है। मतलब ये है कि हम में से हर एक इंसान इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है जिसकी पॉसिबिलिटी एक बार में 1% होती है। और केन ने इस बात को अपनी नोटबुक में लिख लिया और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। एक्सरसाइज हमें स्मार्ट क्यों नहीं बनाती और इसके बारे में क्या करें? केन आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक्सेलेंस हासिल करने का सफर इतना अच्छा होगा और उन्हें इतने नॉलेजेबल लोगों से मिलने और उनसे सीखने का मौका मिलेगा। अब अगले स्टेप में उन्हें बॉब से मिलना था, इसलिए उन्होंने अपने नोट्स पर दोबारा से गौर किया। केन जानते थे कि बॉब उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अब तक क्या सीखा। एक्सेलेंस को पाने के सफर को शुरू हुए 9 महीने हो चुके थे और केन को अच्छा लगा कि अब वो पहले जैसे नहीं थे, अब उनकी जिंदगी बदल रही थी। बॉब को बोट से ट्रैवल करना पसंद था, इसलिए बॉब और केन की मुलाकात एक बोट ट्रिप से शुरू हुई। अब केन उन्हें अपने नोट सिखाते हैं और बॉब इनमें कुछ नया जोड़ते हैं जो इस तरह है। अगर आप किसी काम में माहिर बनना चाहते हैं तो आपको 10,000 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। लगातार समझकर सही तरीके से की गई प्रैक्टिस आपके किसी भी काम को करने में सुधार करती है। ये प्लेजेंट नहीं है, ये मुश्किल होता है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन काम को लगातार करते रहें। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए अपने नेगेटिव बिलीफ से सीखकर आगे बढ़ें। एक बार गिरने को हमेशा के लिए हार में ना बदलें। अपना कंपैरिजन दूसरों की बजाय खुद से करें। आगे की प्लानिंग करें, लेकिन अपने प्रेजेंट में अपना सबसे अच्छा एफर्ट दें। ये सुनने के बाद केन को नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन वो अपनी नोटबुक में सब कुछ लिख देते हैं। जब बॉब ने उन्हें 10,000 घंटे के बारे में बताया तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है और हम इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इस पर बॉब ने 10,000 घंटे की शुरुआत के बारे में बताया। सबसे पहले आपको 30 दिनों का मतलब जानना होगा कि एक लंबी जर्नी कैसे शुरू करें। आइए पहले हम 30 दिनों के काम के बारे में सोचें और उसे करना शुरू करें। जब हम अपने काम का समय 30 दिन रखेंगे तो ये हमारे लिए एक आदत बन जाएगी। इससे हम 10,000 घंटे की शुरुआत कर सकते हैं। जब केन ने 10,000 घंटे की शुरुआत की बात को सुना तो उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने ये जर्नी रोक दी और सोचा कि कोई इंसान इतने घंटे कैसे काम कर सकता है। इसलिए वो 1% सॉल्यूशन के नए मेंबर से मिलने नहीं गए और अपनी जिंदगी में कार्लोस और पेट की बातों को ध्यान में रखकर ही काम करते रहे, जो कि शायद हम भी करते, क्योंकि किसी भी आम इंसान के लिए 10,000 घंटे वाली बात सुनकर हैरान होना नेचुरल था। पर हमें समझना चाहिए कि किसी भी बेहतर चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमें हार मानकर रुकना नहीं चाहिए, बस पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम किसी मामूली चीज को भी लगातार करते हैं तो हमें उसकी आदत लग जाती है। बस बॉब भी केन को यही समझाना चाहते थे। 30 डे का फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी बदल देगा। 1% सॉल्यूशन की अगली मेंबर क्रिस थी, जो एक साइकोलॉजिस्ट थी। केन को अपने अगले स्टेप पर क्रिस से ही मिलना था, पर केन बॉब की 10,000 घंटे वाली बात को लेकर इतना हैरान थे कि वो क्रिस से मिलने ही नहीं गए। केन फिर से उन लोगों की तरह जीने का फैसला कर चुके थे जैसे वो पहले जी रहे थे, जिसमें उन्हें किसी करेक्शन को अपनाने की जरूरत नहीं थी। बॉब से मुलाकात को 1 महीना बीत चुका था और केन ने 1% सॉल्यूशन के मेंबर से ना मिलने का पक्का फैसला कर लिया था। पर आखिरकार वो अपने बेटे के फुटबॉल मैच देखने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे, जहां उन्होंने काफी कोशिश की कि वो जिम से ना मिल पाए, पर जिम ने उन्हें रोक लिया और उन्हें बताया कि क्रिस का फोन उनके पास आया था और उन्होंने कहा कि केन ने मुझे कोई फोन नहीं किया। जब जिम को इस बात का पता चला तो वो केन से नाराज हो गए। जिम ने केन से कहा कि वो इस जर्नी को इस तरह बीच में नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपको कल ही नए मेंबर से मिलने जाना होगा। अब केन जिम की बात सुनने के साथ अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं और इस टीम के अगले मेंबर के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन केन ने बॉब के साथ जो भी सीखा था उसे सिर्फ लिखा था और उस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो उन बातों को फिर से एक बार अपनी नोटबुक खोलकर देखते हैं जिसमें लिखा था, अगर आप किसी काम में माहिर बनना चाहते हैं तो आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। लगातार समझकर सही तरीके से की गई प्रैक्टिस आपके किसी भी काम को करने में सुधार कर सकती है। ये प्लेजेंट नहीं है, ये मुश्किल होता है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन काम लगातार करते रहें। अपने गोल को हासिल करने के लिए अपने नेगेटिव बिलीफ से सीखकर आगे खड़े हों। एक बार गिरने को हमेशा के लिए हार में ना बदलें। अपना कंपैरिजन दूसरों से करने की बजाय खुद से करें। आगे की प्लानिंग करें, लेकिन अपने प्रेजेंट में अपना सबसे अच्छा एफर्ट दें। केन को अब क्रिस से मिलना था, पर उन्हें लगा कि क्रिस उनसे नाराज होंगी क्योंकि उन्होंने बीच में जर्नी को रोक दिया था और 10,000 घंटे वाली थ्योरी को ना मानने का फैसला किया था, मतलब उस पर सवाल खड़ा किया था। पर क्रिस ने इस बात को समझा और केन से कहा कि ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है, पर मान लीजिए अगर आप किसी भी नए खेल या बुक को शुरू करते हैं और बेशक हफ्ते में 1 से 2 बार ही आप वो काम करते हैं, पर आपको उस नई चीज को अपनाने के 1 हफ्ते में ही फर्क दिखाई देगा और आप अपने अंदर 1% का इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे और 3 से 4 महीने बाद
आप 1% से काफी आगे बढ़ चुके होंगे। बस 10,000 घंटे की प्रैक्टिस भी कुछ इसी तरह काम करती है। फिर केन क्रिस से न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए हर नए साल पर कुछ बदलाव करने का फैसला लेते हैं। वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं, पर इस पर क्रिस ने केन से कहा, हमें से सिर्फ 20% लोग ही अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर काम कर पाते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है। केन ने पूछा कैसे, तो क्रिस ने कहा, कोई भी रेजोल्यूशन हमारी फिटनेस, टाइम, करियर के अंदर आता है, और उन सभी चीजों को एक साथ हासिल करना इम्पॉसिबल हो सकता है, जिसको ना पाने से हम दुखी हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस ने स्ट्रेस बॉल को केन से उसकी तरफ फेंकने के लिए कहा, तो इस पर केन ने कनेक्शन पूछा, तो क्रिस ने दिमाग के बारे में एक बात बताई कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग हमारे काम करने के नए तरीके को समझ लेता है और किसी भी नए काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, और किसी भी नई चीज को सीखने के लिए हमारा दिमाग सिर्फ 21 दिन लेता है। क्रिस ने केन से एक और बात पर ध्यान देने के लिए कहा कि हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल सकता है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग हमारे शरीर को बदल सकता है। मतलब ये है कि जब हम थका हुआ महसूस करते हैं तो हमारा शरीर आराम चाहता है, लेकिन अगर हम आराम ना करके और काम करने का फैसला लेते हैं तो हमारा दिमाग भी इसमें हमारी मदद करता है। तो बस हमें एक फेल होने को हमेशा के लिए हार नहीं समझना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज को बेहतर बनाने से शुरू करना चाहिए। अगर आप आज बेहतर तरीके से काम करेंगे तभी जाकर आगे बेहतर बन सकेंगे। क्रिस से मिलने के बाद केन के सभी डाउट क्लियर हो चुके थे और उन्होंने अब ना रुकने का फैसला लिया था। फिर केन अपने 1% सॉल्यूशन के सफर में आगे बढ़ने लगे। अब उन्हें इस ग्रुप के आखिरी मेंबर से मिलना था। किस तरह कुछ ना करने से आपको ज्यादा करने में मदद मिलती है। क्रिस से मिलने के बाद केन ने जो सीखा था उसे वो 2 हफ्तों से अपने काम को करने में लगे हुए थे, और कई बार उन्हें इम्पॉसिबल सा लगने लगा, पर वो नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अब पक्का इरादा बना लिया था कि वो नहीं रुकेंगे, और अब उन्हें आखिर में जेफ से मिलना था, जिसके लिए वो निकल गए। 1% सॉल्यूशन पर जेफ सबसे शांत इंसान थे। वो पहले का ओलंपिक ट्राइथलीट थे। उन्होंने ऑपरेशन के बाद ओलंपिक छोड़ दिया था और दूसरों को अच्छे एथलीट बनने का तरीका सिखाना शुरू कर दिया था। जेफ और केन पहाड़ों के पास मिलते हैं, जहां पर केन को एक पहाड़ पर चढ़ना होता है। जब उस पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उन्हें रिलीफ मिलता है। इसके बाद जेफ पूछते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। फिर केन अपनी नोटबुक को देखते हैं और अपनी सीखी हुई चीजों को बताते हैं, और अब जेफ उनमें कुछ नई चीजें जोड़ने के लिए कहते हैं, जो इस तरह हैं, ध्यान देकर प्रैक्टिस करें और लगातार उनको करते रहने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। 90 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम ना करें, और 2 कामों को करने के बीच कुछ टाइम आराम के लिए रखें। हर हफ्ते 20 मिनट के लिए थोड़े आराम के गैप के साथ वर्कआउट करें। रात में 10 से 30 मिनट तक चैंटिंग करें। रात में कम से कम 8 घंटे सोएं। खुद को फ्रेश महसूस कराने के लिए छुट्टियां जरूर लें और नेचर में अपना वक्त बिताएं। केन को बातें समझाने के बाद दोनों फुटपाथ के जरिए पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। जब केन ने पूछा कि हम फुटपाथ होने के बाद पहाड़ पर क्यों चढ़े, तो जेफ कहते हैं कि तुम इससे रिलैक्स हो जाओगे और मेरी हर बात अच्छे से समझ लोगे। मतलब ये हुआ कि हमें 1% सॉल्यूशन को अपनाने के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। सिर्फ लगातार काम करते रहना आपको कमजोर बना सकता है, इसलिए आराम करना भी जरूरी है। एक परफेक्ट टाइम टेबल के साथ आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे सकेंगे, और पूरे 8 घंटे की नींद से आप अगले दिन पूरी एनर्जी के साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। साइकिल पूरी हुई। 1% सॉल्यूशन के सभी मेंबर से मिलने के बाद केन का साइकिल पूरा हो गया था, पर खत्म नहीं हुआ था। केन ने 1% सॉल्यूशन के सभी प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लिया था और अब उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। केन को पता चल चुका था कि एक्सेलेंस को हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और हार मान लेना कभी भी अच्छा नहीं होता है, और लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए। साथ ही एक ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जो आपके सभी काम को सही ढंग से करने की आपकी मदद करेगा। आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए काम के साथ आराम भी करना चाहिए, जिससे आप चिड़चिड़े नहीं बनेंगे और काम पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। नई आदतें और अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। केन ने इन सभी प्रिंसिपल को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था, और अब वो इनकी मदद से अपने घर पर टाइम दे पाते थे। रोज काम में अच्छा परफॉर्म हो रहा था, जिससे उन्हें प्रमोशन और रिस्पेक्ट मिलने लगी थी। सब सही होने लगा था, और क्योंकि अब कोई स्ट्रेस नहीं था तो केन अपनी वाइफ के साथ भी प्यार से बिहेव करते थे। उनकी लड़ाइयां खत्म हो चुकी थी। कोई प्रॉब्लम होने पर वो बात करके उसे सुलझा लिया करते थे। फिर जब घर में सब कुछ ठीक चलता था तो उनके बच्चों का दिमाग भी अच्छे कामों की तरफ जाने लगा, और केन के बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। मतलब हम सभी अपनी बेहतर लाइफ से सिर्फ 1% दूर हैं। इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनाकर कोई भी एक बेहतर लाइफ हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, 1% सॉल्यूशन बुक से आपने बेहतर जिंदगी को हासिल करने वाले तरीकों के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम में से कोई भी बेहतर बन सकता है। ये हम सभी के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है। मुझे उम्मीद है आपने बेहतर जिंदगी को हासिल करने के लिए बहुत से कदम उठाए होंगे। अब इन प्रिंसिपल्स को अपनी रोज की जिंदगी में अप्लाई करके आप और बेहतर जिंदगी के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं
कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।